आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चार्जिंग पॉइंट कि कहाँ से ये चार्जिंग पॉइंट आता है और कहाँ इसकी वायर जो है चार्जिंग में लगी हुई ये है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कार सरदार चैनल में। मैं आपका होस्ट गोल्डी सिंह लेके आया एक बार फिर से मिस्टर कार वालों के पास, और मेरे साथ है रिप्रेजेंटेटिव इनके मिस्टर करण। सशिकल सर, कैसे हो सर? वधिया वधिया। करण जी, फिर वीडियो शुरू करते हैं। आज फिर क्या धमाल होने वाला है वीडियो में? एक ब्रांड की दो कार, ओके, और एक ब्रांड जो है वो है MG। ब्रिटेन ब्रांड है। हाँ जी, असेंबल्ड इन चाइना उसके फंक्शंस हैं। ओके, तो उसकी गाड़ी का नाम है मॉरिस गैराज, दैट इज MG। उसकी मैं दो कार्स आपको प्रेजेंट करूंगा। उसकी शुरुआत हम करेंगे MG इलेक्ट्रिक से, ये वाली गाड़ी, ग्रीन प्लेट। बिल्कुल, बताइए सर। जो आने वाले टाइम की एक डिमांडिंग कार है, और आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट इसको ही एप्लीकेबल कर रही है। अच्छा जी, इको फ्रेंडली कार जाएंगी, इलेक्ट्रिक चार्ज्ड है। आप देखिए, चाहे मर्सिडीज है, चाहे ऑडी है, चाहे जैगुआर है, सब ई ट्रॉन व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो हमारे कॉम्पैक्ट SUV में MG इज द फर्स्ट वन। बिल्कुल, हाइब्रिड सुनी थी, कैमरी की हाइब्रिड सुनी थी। okay. जो टोयोटा की प्रेजेंटेशन है वो पेट्रोल एंड हाइब्रिड है। okay. ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक है। बिल्कुल, इसको चार्ज हम घर के डिवाइस से कर सकते हैं। उस चार्जिंग पे जब बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी, तो ये गाड़ी 350 से 370 किलोमीटर ड्राइव लेती है। इतनी ले लेती है? बिल्कुल, और इसको कंप्लीट चार्ज होने में 6 घंटे लगते हैं घर वाले चार्जर से। बिल्कुल, और इसके दो चार्जिंग आते हैं, एक नॉर्मल चार्जर, एक सुपर पैक चार्जर। सुपर पैक चार्जर जो है वो 4 घंटे में चार्ज कर देता है कंप्लीट का। वो भी घर पे लग सकता है? बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और कुछ खास फीचर इसमें? सनरूफ भी देखने को मिल रहा है इसमें, सब कुछ है। अगर अच्छा। आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका इंटीरियर, इसके अंदर आपको सनरूफ है। इस MG 3D के पीछे इसका चार्जिंग पॉइंट है। ओके, और गाड़ी इजीली चार्ज्ड है, और कंपनी वाले खुद आपके घर पे आके वो ब्रैकेट और सॉकेट इंस्टॉल करके जाएंगे। अच्छा, तो जिस ओनर से हमने ली है उसके घर में ये सॉकेट लगा। ओके, अब आप चेंज कर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपके घर पे आके इसकी वायरिंग दोबारा से रीइंस्टॉल कर देंगे, प्रॉपर इसकी अर्थिंग की वायरिंग सब कुछ करके जाएंगे। बैटरी कार है, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके आप देखें तो इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, ग्रिल दे रखी, स्पेशियस ग्रिल है, जिसमें बैटरी जो है अंदर जिंक एंथेलाइन बैटरी जो है उसको प्रॉपर एयर मिलता है। ओके, जिससे वो बैटरी कूल रहती है। और इसका अगर हम हुड ओपन करेंगे, जो दिखा रहा हूँ मैं आपको हुड ओपन करके, हाँ जी, वो आप देखेंगे कि गाड़ी में बहुत स्पेस है, और कंपनी ने ही पहले से ही इसको बहुत वेंटिलेटेड बनाया हुआ है। ओके, तो ये चीज है इसमें। अगर इंटीरियर देख रहे हैं आप, तो इंटीरियर देख रहे हैं तो इसमें लेदर रैप स्टीयरिंग है, टच स्क्रीन है, और सब कुछ उसके ऊपर डिवाइस के इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि अभी गाड़ी कितनी चार्ज्ड है, तो उस हिसाब से वो आपको किलोमीटर भी वो शो कर रहा है कि कितने अभी और चलेगी, कितने किलोमीटर अभी और चलेगी इतने परसेंट बैटरी पे। okay. और इसकी लेदर रैप्ड आपकी सीट्स हैं, फर्स्ट क्लास नॉश टिप एंड नॉश कंडीशन में आपका इंटीरियर है। ओके, फोल्डेबल मिरर्स हैं, और कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार है। जो मैं आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार, इसके ऊपर मेंशन किया गया है। इसमें कुछ मोड्स भी होते हैं? इसमें नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड ही है,
बिल्कुल। और ये जो नई गाड़ी है ये है 27 लाख रुपए की। ओके। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं एमजी के, एक आता है 21 लाख 60 हजार रुपए का और एक आता है 27 लाख रुपए का। ये टॉप मॉडल है जिसकी कीमत न्यू जो है 27 लाख रुपए है, आफ्टर सब्सिडी वब्सिडी सब मिला। सब्सिडी जो है गवर्नमेंट जो 15 लाख से कम वाली जो हमारी गाड़ियां हैं, अच्छा, उनके ऊपर, जैसे टाटा नेक्सॉन है उनके ऊपर सब्सिडी है। डिस्काउंट कर करा के ये 26 लाख के आसपास की पड़ती है ये गाड़ी। तो ये कौन सा मॉडल हुआ? ये जो मॉडल है ये 2020 मॉडल है, 15,000 चली हुई है, सिंगल कलर, इलेक्ट्रिक, ऑटोमेटिक एंड विद कंपनी रिकॉर्ड। इस गाड़ी की जो हम आस्किंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2190, जो कि अगेन ये नेगोशिएबल है। ओके। आपके कस्टमर की जो आपने मेरे को स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि हाई प्राइस है, 2190 इसकी आस्किंग है, इसके ऊपर छोटा मोटा रिगार्ड होगा। आप देखेंगे इसको कि रोड्स पे ये हैं, लेकिन यूज प्री ओन्ड में ये पहली गाड़ी है ऑल ओवर दिल्ली सिर्फ मिस्टर कार नारायणा पे। क्या बात है सर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये अगली गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये है एमजी हेक्टर की शार्प। हाँ जी। शार्प वेरिएंट है, पेट्रोल है। ओके। और ये गाड़ी चली हुई है सिर्फ 5400 किलोमीटर, मतलब 5400 किलोमीटर। और ये गाड़ी जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में है, ग्रिल के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, वेंटिलेटेड हमारी ग्रिल है, 3D लोगो एमजी का है, डीएल रजिस्ट्रेशन है। आपका कस्टमर आए कंपनी में चेक करा के हमसे तब बात करें कि हमारी स्टेटमेंट और उसकी स्टेटमेंट मैच होनी चाहिए। ओके। तभी मजा आएगा। ये तो बम्पर भी टच नहीं होगा, बम्पर भी कहीं टच नहीं। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि सारा ओरिजिनल पेंट है, कहीं कोई छोटे मोटे स्क्रैच जो दिल्ली शहर में लगते हैं हमने वो भी पेंट नहीं कराया, क्योंकि इतने छोटे पीस के पेंट के लिए हमें पूरा पीस पेंट कराना पड़ता है। अच्छा, इसमें भी कोई टचिंग वचिंग थी? इसमें कुछ टच नहीं, दोनों गाड़ियां आपकी ऑल ओरिजिनल है। अच्छा, दोनों गाड़ियां ऑल ओरिजिनल है। बिल्कुल। इसके और कुछ फंक्शन? पेट्रोल है, टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक है, लेदर रैप स्टीयरिंग है, व्हाइट एंड ब्लैक का जो स्टिचिंग है सीट्स का वो आपको बहुत ही एलिगेंट लगेगा। एयर बैग्स इसमें 6 हैं और कीलेस एंट्री है With sunroof, roof rails भी आपके इसके साथ अवेलेबल हैं, foldable है, adjustable है, electronic है, foldable mirrors हैं, जिसको हम ORVMs भी कहते हैं। ये मॉडल टॉप है? ये मॉडल टॉप है। टॉप मॉडल है। बिल्कुल। प्राइस सर? इसका प्राइस हम मांग रहे हैं 18 लाख रुपए, विच इज अगेन अननेगोशिएबल। सर जी ये नई गाड़ी है 23 लाख रुपए की। 23 लाख रुपए। बिल्कुल। मतलब फिर भी काफी बचत हो रही है। और उसके बाद ऑन द टेबल दोस्तों, तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कोई न्यू पेट्रोल एमजी हेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जरूर आए मिस्टर कार पे एक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो गाड़ी खड़ी है, अगर कोई इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाह रहा है तो दोनों गाड़ियां खड़ी हैं, एक बार मेरे कहने पे टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। क्यों सर? आपके कहने पर नहीं, मेरा कस्टमर अगर आपके थ्रू मेरे पास आ रहा है, मैं हर कस्टमर को चाहे वो गाड़ी ले चाहे ना ले उसको मैं टेस्ट ड्राइव दूंगा, क्योंकि कस्टमर की, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे तो आप गाड़ी के बारे में कुछ जान पाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों इस जैसी कुछ के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए नगीने ढूंढ के लाते हैं नगीने। सत श्री अकाल।